ये है सोप और वाटर का सोल्यूशन। मैंने थोड़ा सा चीनी मिक्स कर दिया है, अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा जो सोप सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो गया है। हम लेंगे ऐसा टाइप का एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, क्योंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेंगे तो इसके ऊपर जब बबल बनेगा तो आपका जो फोटो लेंगे उसका बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, तो आपका जो बबुल का कलर से वो अच्छे से दिखेगा। तो आपके पास अगर ऐसा ब्लैक कलर का कुछ भी प्लेट नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। आप अपना नॉर्मल कुछ ऐसा टाइप का कुछ ले सकते हैं, सरफेस कोई भी कलर का चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, कुछ एक अच्छा सरफेस ले लीजिए जो कि थोड़ा सा स्मूथ होगा, इसके जैसा जैसे ग्लास टाइप होगा। और अपना लाइट वाइट बंद कर दीजिए, ये सोप का सोल्यूशन इसमें डाल दीजिए। ओके, और फिर उसका बबल बनाना है। अगर बबल बनाना है तो आपको कुछ इस तरह का चीज़ एक चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये है, तो इसको क्या करता हूँ मैं कट कर देता हूँ दोनों साइड से। ओके, तो ये बन गया आपका एक, इसके थ्रू से आपको एयर फूकना है बबल बनाने के लिए। हो गया आपका बबल बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बबल बनने के बाद आपका लाइट वाइट सब बंद कर देना है। और आपको एक ही लाइट सोर्स चाहिए जो कि बहुत बड़ा है, जैसे कि आपका टेबल लैंप है या फिर कोई एलईडी लाइट है। तो अभी मैं लाइट ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बिना लेंस का भी इसका जो कलरफुल लाइट्स दिख रहे हैं इसमें बबल के टॉप में, तो इसी कलरफुल लाइट को हमको लेना है। ठीक है, टूट गया ये, तो ऐसे आपको फिर से बबल बनाना पड़ेगा। तो मैं ले आया हूँ एक्सट्रीम मैक्रो लेंस, इसको हम अटैच करेंगे रियलमी X2 प्रो में और फोटो लेंगे। एक्सट्रीम मैक्रो लेंस रेडी है, अभी हम जाएंगे एक्सपोर्ट मोड में। एक्सपोर्ट मोड में फोकस करेंगे हाईएस्ट को, हाईएस्ट रखना है, इसको रखना है वाइड वेलेंस को 56, ISO को रखना है लोएस्ट, और शटर स्पीड को हम चेंज करेंगे वेस्टर्न, कितना लाइट चाहिए हमको। हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है पूरा, देख पा रहे होंगे कलरफुल कितना दिख रहा है। इसका लाइट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, दिख रहा होगा अभी। लाइट को थोड़ा पास ले आते हैं, जो कलर टाइप का सरफेस जो आता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो उसी के अंदर आपको फोटो लेना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सट्रीम मैक्रो लेंस है, उसके लिए आपको बहुत पास जाना पड़ता है। तो मैं ये लेंस चेंज कर रहा हूँ और ग्लो V2 लेके आता हूँ। ओके, तो मैं अभी ग्लो V2 लगा दिया हूँ, इससे देखते हैं कैसे आउटपुट आता है। ग्लो V2 में अच्छा दिख रहा है। अच्छा फोटोज मिल गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है। तो बस इसी को ऐसे ही थोड़ा सा पेशेंस लेके खेलते रहना पड़ेगा। देखिए इसका कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइप का फोटोज मिल जाएंगे फुल। तो आपको पता चल गया होगा मोर आउटपुट इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, चेक द लिंक बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।